हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हाइजीनिक। तो बेसिकली इसकी वीडियो से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे व्हाट इज हाइजीनिक। द प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ आर नोन एज हाइजीनिक। गुड हाइजीनिक हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस। तो बेसिकली यहाँ पे बात करें हाइजीनिक एक ऐसी इंश्योर करता है कि साफ सफाई, और अगर साफ सफाई होगी तो आपकी गुड हेल्थ बनी रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, कूड़ा करकट, तो सीधी सी बात है आपको बीमारी लगेगी। तो उसके लिए अच्छी हाइजीनिक बहुत जरूरी है और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है बीमारी से दूर रखने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे गुड हाइजीनिक इंक्लूड्स, यानी कि कौन कौन सी वो हैबिट्स है, या फिर ये समझ लीजिए कि गुड हाइजीनिक कौन कौन सी प्रिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ पे 8 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला हम शुरू करते हैं, टेकिंग बाथ एवरीडे। जी हाँ, हर दिन हमें सही प्रकार से नहाना चाहिए। तो ये है हमारी गुड हाइजीनिक का पहला पॉइंट। तो हम बात, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो सीधी सी बात है कि जब भी हम खाना खाने जा रहे हैं या फिर खाना खा के आ रहे हैं, यानी कि खाने से पहले या बाद में, हमें अपने हाथ धोने चाहिए। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग स्वीट क्लोथ्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम योर स्कूल और प्लेइंग। तो बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए आप बाहर से आ रहे हैं और पसीने में कपड़े आपके हो रखे, तो आपको वो कपड़े बदलने चाहिए, चाहे आप स्कूल से आ रहे हो या फिर आप खेल के आ रहे हो, क्योंकि अगर आप पसीने वाले कपड़े पहने रहेंगे तो आपको खुजली हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या और भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं आपकी हाइजीनिक को खराब करता है। और अब हमारा अगला चौथा पॉइंट है ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली विद टूथब्रश एंड पेस्ट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड प्रेफरेबली आफ्टर एवरी मील। तो बेसिकली जो हम टूथब्रश करते हैं, सभी लोग सुबह करते हैं बट कई लोग रात में नहीं करते हैं, तो अच्छे कंडीशन ये है कि आप उस पेस्ट लगाए और ब्रश अच्छे से करें सुबह और जब आप सो रहे उससे पहले भी। और ये भी बता रखे कि अगर हो सके तो आप जब भी खाना खाते हो तो भी आप कुल्ला या फिर ब्रश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, वॉशिंग योर हैंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट विद सोप। तो बेसिकली ये तो बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा कि जब भी आप टॉयलेट जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको वॉशरूम होने के बाद आपको अच्छे से अपने साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब बात करेंगे हम अपने सिक्स पॉइंट की ओर, कीपिंग योर सराउंड क्लीन। तो बेसिकली अपने दो तरफ है, अपने जो भी रूम है या आसपास है, तो वहां पे सफाई रखनी चाहिए, जो कि हाइजीनिक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गंदगी रखेंगे तो मच्छर मक्खियां होगी और वो कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रण होगा। और अब मैं बात करूंगा अपने सातवें पॉइंट की ओर, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेस्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली सीधी सी बात है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट या फिर नींद लेनी चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब हमारा आठवां पॉइंट है यहाँ पे, तो वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। तो बेसिकली सीधी सी बात है कि आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो ये थे हमारी हाइजीनिक के बारे में, यानी कि गुड हाइजीनिक के कुछ पॉइंट्स लगभग आपको समझ में आ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कोई भी फिर भी आपको कोई पॉइंट है, डाउट है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।